मैं योगेंद्र शर्मा, हम धार के जेतपुरा गांव में हैं। यहां पर हम देखने आए हैं कि उज्ज्वला योजना गैस से कितने लोगों के जीवन में फर्क आया है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। यहां पर कई महिला लाभार्थी मेरे पास खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। इन महिलाओं का कहना है कि जो गैस की टंकी की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, 800 900 1000 रुपए कीमत होने के कारण ये बार बार उसको रिफिल नहीं करा पाते हैं और ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इन महिलाओं का कहना है कि गैस की टंकी मिलने से हमें लाभ तो जरूर हुआ है, हमें धुएं से राहत मिल गई है, हमें जंगल में नहीं जाना पड़ता है, हमें लकड़ी कंडे के लिए जो जंगल में हमको रेगुलर जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना पड़ता, हमें गैस की टंकी अगर रेगुलर मिल जाए तो। लेकिन इनकी सबसे बड़ी इनकी समस्या, इनका कहना यह है कि हमें सस्ती टंकी मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार हमें सब्सिडी तो दे रही है लेकिन हमें सब्सिडी कुछ ज्यादा देना चाहिए जिससे कि हम इस गैस का रेगुलर उपयोग कर सके। माया, ये आपको चूल्हा मिला, आप खुश हो इससे? खुश है। क्या फायदा मिला आपको? ये लकड़ी में खाना बनाते धुआं लगता है, गैस टंकी रहती तो हम दाड़की वाले लोग हैं, कभी आधी रात में आएंगे तो गैस जला के रोटी बना लेते हैं, लकड़ी लानी नहीं पड़ती है बीन के। जंगल जाती थी, अब नहीं जाती हो? नहीं जाते। अच्छा, क्या फायदा हुआ और क्या फायदा हुआ? आमदनी बढ़ी है इसको लाने के बाद, पैसे ज्यादा बचने लगे हैं? नहीं बचते हैं, टंकी 1800 में भराती है, गरीब लोग कहाँ से लाए 1800 रुपए। मतलब सस्ती होना चाहिए टंकी, सस्ती होना चाहिए। और आप ये बताओ कि ये जो योजना जिस सरकार ने चलाई, वो सरकार को आप ही चूल्हे, आपको चूल्हा दिया और भी कई चीजें दी, तो वोट करोगी उनको? करेंगे, जो योजना देंगे उसको वोट करेंगे। गैस टंकी से जीवन में कुछ बदलाव आया जब? हाँ, हाँ। क्या बदलाव आया? ये बदलाव आया कि भाई आंखों में धुआं नहीं लगता है, घर में धुआं नहीं होता है, कुछ क्या जल्दी हो जाता है, कोई मेहमान आते हैं तो कुछ काम जल्दी हो जाता है, जला और बनाओ। तो ये जो किस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको ये गैस की टंकी दी है, हाँ। तो क्या आप मोदी जी को वोट करेंगे? हाँ करेंगे। नहीं, काय के लिए करेंगी? ये आपको गैस चूल्हा दिया इसके लिए या टंकी महंगी इसके लिए, क्या करेंगी? जो कहेगा वो, टंकी तो महंगी है मोदी जी के राज में, फिर भी वोट करेंगे? फिर कांग्रेस को देंगे वोट, मोदी जी वोट करेगा तो क्या करे फिर? ऐसे वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अब ऐसा महंगे वाड़ा फैला गया तो क्या लाने वोट करेंगे उसको? हम गरीब लोग कहाँ से लाए, मजदूरी करके तो खाते हैं, हमारा कोई घर बनाया नहीं, कोई मकान बनाया नहीं। गैस टंकी सस्ती होना चाहिए? हाँ, गैस टंकी सस्ती होना चाहिए, तो चाहे 200-300 रुपए की हो जाए तो कोई भी भरवा ले, गरीब लोग। अब 1000-1000 2000 की कहाँ से भरवाए? आया नहीं, धुआं नहीं लगता है, आँख जले नहीं, ऐसी गर्मी लगती है चूल्हा खाने, अब ये चूल्हा की गर्मी नहीं लगे। तो इस बार क्या परिवर्तन आएगा सरकार में? ऐसा लगता है कि आपको सरकार ने चूल्हा दिया तो कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? तो अच्छी सुविधा होगी ना, जल्दी से काम हो जाता है। मोदी जी को वोट करोगे? मोदी जी को वोट क्या करेंगे, करेंगे। दिया तो करेंगी क्या वोट? हाँ करेंगे नी, मोदी जी को क्या हराएंगे थोड़ी। ये इस योजना से खुश है? हाँ खुश है, तभी भी नहीं हराया हमने तो, अभी भी खुश होकर दे हमने तो। अच्छा, काम क्या करती हो? दाड़की करते हैं खेती में, और दूसरा तो काम कुछ नहीं होता। अपना कहाँ रहती हो? राजू भाई। कहाँ रहती हो? जयपुरा में। खुश है? काय से खुश है? गैस पे। कैसे? गैस पे पहले लकड़ी लेने जाते थे, अब नहीं जाते। पहले कितनी बार जाती थी? 5 बार जाती थी, महीना भर में 5 बार। तो उससे आपको क्या नुकसान होता था? नुकसान होते थे, वो पहला तड़के में जाते थे। जो चुनाव आएंगे इसमें, इससे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वोट देंगे मोदी का। मोदी को वोट देंगे? उनने दी क्या गैस चूल्हा? गैस चूल्हा मोदी ने दिया है? हाँ मोदी ने दिया। अच्छा, नाम बता दो एक बार। राजू भाई। क्या तुम 8 दिन चला ले, हमारे बच्चे बच्ची खा ले, सामान ले आए तो वो 8 दिन चल जाता है। अभी 800 गैस वाले को दे दे तो घर में दूसरा साधन नहीं, गैस को क्या खाए, गैस पड़ी पड़ी को। 8 दिन का सामान हो तो बच्चे बच्ची हम सब खा लेते, परिवार खा लेते। नाम बताओ। मेरा नाम लाका भाई। लोगों को लाभ पहुँचा।